श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, स्वागत है आपका अनोखा संगम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व माना गया है। पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी विशेष रूप से दी जाती है। इसकी मदद से हम दिन का शुभ या अशुभ होना तय करते हैं और अपने दिन के कार्यक्रम को शुभ समय में करने का प्रयास करते हैं। आज के पंचांग में इन सभी की विस्तृत जानकारी और सटीक जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल और आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगेगी। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हारे हुए व्यक्ति को भी जिता देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। आज की तारीख 2 फरवरी 2023। आज का वार गुरुवार। आज माघ माह का 27वां दिवस है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 4:26 शाम तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र आर्द्रा 6:18 अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर कु, घ, अड़, छ से शुरू होते हैं, ऐसे लोग होते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले और इनकी राशि होती है मिथुन। राशि स्वामी बुध तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। गण इनका होता है मनुष्य का, नाड़ी होती है आदि, नक्षत्र देवता भगवान शिव और स्वभाव से ये लोग तीक्ष्ण होते हैं। आज का पहला कर्ण बालव 4:26 शाम तक रहने वाला है। आज का दूसरा कर्ण कौलव 5:41 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आइए जानते हैं आज के कर्ण के बारे में। बालव कर्ण व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव प्रदान करता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्म कर्म में अटूट विश्वास रखते हैं और धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इस कर्ण के जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये जीवन में काफी मात्रा में धन भी अर्जित करते हैं और धन धन्य से पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कौलव कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार होता है, सबसे मेलजोल बनाए रखते हैं। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रेमपूर्ण और स्नेहयुक्त व्यवहार रखते हैं। इनके मित्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है और मित्रों से इन्हें समय समय पर अनुकूल सहयोग और लाभ भी प्राप्त होता है। इस कर्ण के जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और किसी भी हाल में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते। आज के सूर्योदय का समय है 7:09 सुबह। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:01 शाम को। आज चंद्रोदय का समय रहेगा 2:55 दोपहर को और चंद्रास्त 5:37 अगले दिन सुबह पर होगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान है और आज सूर्य मकर राशि में विराजमान है। आज का सूर्य नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। आज का योग वैधर्ति 12:13 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। वैधर्ति योग स्थिर कार्यों के लिए काफी ठीक माना जाता है, परंतु भागदौड़ वाला कार्य इस समय में ना करें। इस समय में भी यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो इस योग में यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में है वैधर्ति योग, तो आप एक गतिशील बहुमुखी होने के साथ साथ एक अप्रत्याशित व्यक्तित्व रखते हैं। आपको अपना काम पूरा करने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके पास हंसमुख स्वभाव होने की संभावना है और फिर भी सामाजिक पहचान बनाने में आप लोग असमर्थ दिखाई दे सकते हैं।
दिशा शूल की बात करें तो आज दक्षिण दिशा की ओर दिशा शूल है। आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा न करें, अन्यथा किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही आवश्यक होने पर अथवा यदि यात्रा ना टाली जा सके, बहुत ही जरूरी होने पर जीरा और दही का सेवन करके यात्रा प्रारंभ करें। ऐसा करने से दिशा शूल का कुछ प्रभाव अवश्य कम हो सकता है। आज का शुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त 12:13 दोपहर से 12:57 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:24 दोपहर से 3:07 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 5:24 सुबह से 6:16 सुबह तक। शुभ समय के साथ साथ अशुभ समय को भी अवश्य ही ध्यान में रखें, ताकि किसी कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 1:56 दोपहर से 3:18 तक रहने वाला है। यमकंड काल का समय 7:09 सुबह से 8:30 सुबह तक रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा परेशानी आ सकती है। आज के अन्य शुभ योगों में से अमृतकालम योग 7:05 शाम से 8:53 शाम तक रहने वाला है। मित्रों, आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का समय एक ही है, 6:18 अगले दिन सुबह से 7:08 अगले दिन सुबह तक। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नए कार्य आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। सभी में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 2 तारीख गुरुवार को प्रदोष व्रत, 5 तारीख रविवार को माघ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा का व्रत होगा। अनुवाधान गुरु रविदास जयंती, ललिता जयंती भी होगी। 6 तारीख सोमवार को एष्टी फाल्गुन महा प्रारंभ हो जाएगा। 9 तारीख गुरुवार को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत होगा। 12 तारीख रविवार को यशोदा जयंती। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज शुभ समय रहेगा 7:10 सुबह से 8:31 तक। चर समय 11:14 सुबह से 12:35 दोपहर तक रहेगा। लाभ समय 12:35 दोपहर से 1:56 तक रहने वाला है। अमृत समय 1:56 दोपहर से 3:18 तक रहेगा। शुभ समय 4:39 शाम से 6:01 शाम तक शुभ समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िए में अमृत समय 6:01 शाम से 7:39 तक होगा। चर समय 7:39 शाम से 9:17 तक रहेगा। लाभ समय 12:35 अगले दिन सुबह से 2:13 तक रहने वाला है। शुभ समय 3:52 अगले दिन सुबह से 5:30 तक रहेगा। अमृत समय 5:30 अगले दिन सुबह से 7:08 तक रहने वाला है। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट, नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।